आप देख रहे नौटंकी लोक संगीत YouTube चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन घंटी जरूर दबाए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे बिल्कुल मुफ्त। उस समय मैं समझा रही थी, मेरी एक भी बात नहीं माना। हाँ रानी बता, अब रो रहे हो? रो रहा हूँ अपनी किस्मत को। रोने से काम नहीं चलेगा। फिर बताइए मैं क्या करूं? अगर तुम्हारे साथ खोई जाने के लिए तैयार नहीं है तो कहो, तो मैं अपने पिता को बुलाऊं, लेकिन उनका एहसान अपने सर पे लेना होगा। लेकिन हम जानते हैं जब वहां अभिनंदन से अगर युद्ध छिड़ेगा तो हम जानते हैं कि तेरा पिता वहां से भाग जाएगा, इसलिए हम उनका एहसान नहीं लेना चाहते हैं। क्या? कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं जाएगा तो इंद्र की बारात लेकर मैं अकेले ही जाऊंगा। हाँ हाँ जाइए, मुझे बहू चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बहू लाकर तुम्हें अवश्य दूंगा। ठीक है ठीक है भैया। रुपए रूपन। हाँ बड़े जद्दू। कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं जा रहा है मेरी बारात में, हम तो चल भाई, तो हम ही लोग चलेंगे। हम तो चलेंगे। जो भी मालो सर है तुम लोगों के पास, सीधे साधे यहां मर रख दीजिए, वरना तुम लोगों को अभी मैं भून के रख दूंगा। आए आखिर आप लोग कौन है? मेरे पास यहाँ के कोई ऐसा सामान नहीं है, हम तो केवल बारात लेकर अपने बेटे की शादी कराने जा रहा हूँ। अच्छा, तो माल दोगे नहीं तो हमसे जंग करोगे, तैयार हो जाओ। क्या हुआ रूपन? जो रूपन हमारे दरबार में कभी 2 घंटे के लिए तलवार मांगता था कि मैं तुझे तलवार चलानी है, आज वो एक छोटे से आदमी के सामने अपनी हार मान ली। पिताजी आप चिंता न करिए, देखता हूं इसमें कितनी हिम्मत है जो बरात रोक ले। तैयार हो गया तुम। क्या भगवान, आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसके सामने सभी तलवार फेंक देते? कोई बात नहीं, ये आल्हा जिंदगी भर कभी तलवार नहीं उठाया है, लेकिन आज इस इंसान के सामने हमें तलवार उठानी पड़ेगी। मंत्री क्या कहना चाहते हो मलकान? जिसके गम में सदा रहते हे मुफ्तला, बात को खूब अच्छी तरह जान लो, बात को खूब अच्छी तरह जान लो। यह है उदल तुम्हारा लहुरवा बिरन, यह है उदल तुम्हारा लहुरवा बिरन, देख कर किसको देखो ये कौन है। भैया उदन मुझे माफ कर देना,
मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, क्या करूं, ये तलवार लेकर मेरा सर उड़ा दो, मुझे मार दो भैया, मुझे मार दो। पापी सुत घाती हत्यारा खूनी हूं मैं, पापी सुत घाती हत्यारा खूनी हूं मैं, वंश पे का निमाता लगैया भूल हो गई। मैं इस पुत्र शोक में, क्योंकि मामा माही ले आकर ये बताया था तुम्हारे इंदल का कत्ल उतल ने कर दिया है, क्योंकि वो मछला के साथ में दोनों एक साथ लेटे थे, इंदल ने देख लिया तभी उतल ने इंदल का सर अलग कर दिया है। मैंने मामा माही की बात मानकर तुम पर ये सितम ढाया है, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, हुक्म चला दो तो था दिया, जिस घड़ी कुछ ना आई शरम लाज भैया तुम्हें, मैं रहूंगा नहीं आपके साथ में, हो मुबारक तख्ताज भैया तुम्हें। नहीं भैया, जाओ इंदल की बारात लेकर पलक बुखारे और ब्याह कर लाओ राजकुमार इंदल को, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। भैया हम तुम्हारे बिना कैसे जाएंगे, हम अकेले बारात लेकर कैसे जाएंगे भैया, हर जगह पर तुमने हमारा साथ दिया है, आज तुम्हें इनकार कर रहे हो, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। चाचा जी, चाचा अगर मेरी बारात में नहीं जाओगे तो मैं दूल्हा बन के नहीं जाऊंगा। बेटा राजकुमार इंदल की बारात हो और उदल न जाए, बेटा मैं तेरी बारात में जरूर चलूंगा और तेरा विवाह वहां से करवा कर ही वापस आऊंगा। बड़े भैया, क्या बात है भैया, आप बैठिए यहीं तंबू पर, ठीक है, और हम राजकुमार इंदल का विवाह करवा कर लाते हैं। ठीक है, चलिए चाचा जी। द्वारपाल, क्या समाचार है हमारे रियासत के? रियासत के समाचार ठीक है महाराज। ये मोहबिया आए कि नहीं आए? अभी तो नहीं आए। आए तो साले को काट के यहीं फेंक देना। अरे खबरदार महाराज, अभिनंदन, एक भी कदम आगे बढ़ाया तो चारों तरफ से तुम घिर चुके हो। चुपचाप हमारे राजकुमार इंदल के साथ अपनी बेटी चित्रेखा का साथ हमरे डलवा दो। और मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा तो हमारे कैंप में बंधा है, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारे बेटे को मरवा दूंगा मैं। मलखान तुम्हारा नाम है? हाँ। बड़ा गड़बड़ हो गया। मलखान माफ हो, काटा हमारी
मेहमान ताहरी बेटी के डोला देने को मैं कर गया तैयारी बलखान मां के ठीक है मैं तुम्हारे दोनों बेटों को छोड़ दूंगा। अपने कंचनियों से कहो कि राजकुमारी चित्ररेखा को दुल्हन बनाकर लाए और सात भावरे डलवाओ। सात दर्शक बने हुए देखिए इधर राजकुमारी नल के सात भावरे डलवाकर डोली में बिठाकर राजकुमारी चित्ररेखा को देखिए महोबा नगर लेकर जा रहे हैं। बंद कर दोस्तों। ए बच्ची का है जो प्याई खड़ी हो गई का तो कैमरा बंद कर दिया डरवा दियो बिरात टाउन ना। ये बताइए एरिक की रानी बोलो यहाँ किस खुशी में आई हो? हमारे यहाँ राना मोड़ा ना। अच्छा मुझे खुशी में है। ओ कोई दाई को बुलाए कोई बदी को बुलाए साढ़े नौ बदिया नौ बदिया उठी है कमरिया में